सिर्फ आपके साथ हंसी खुशी रहना चाहती हूँ। आपकी मोहब्बत, आपके यकीन के। डॉक्टर ने कहा है 24 घंटे क्रिटिकल है, अब दुआ करें वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। थैंक यू यार, तुम आ गए, मुझे चेकबुक लेने घर जाना है। मैं जानती हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैं और क्या कर। मेरे ख्याल में ये जगह मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, प्लीज समझने की कोशिश करो। सारी फिक्रें छोड़कर बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। चलिए मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस पहुँच। फारस की माँ को तो जैसी बहाना मिल गया, जैसी आयजा और साद की बात उसके सामने आती है तो वो उसी बात को ड्रामा बनाकर सब घर वालों को कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि शादी के बाद पारस भी ये सब कुछ पेश करे। लायक अहमद की बेटियां तो कभी भी घर में खुश रह नहीं सकती, बल्कि वो तो उल्टा अपने शोहरों पर बोहतान लगाती है। मैं नहीं चाहती कि पारस भी उन शोहरों में शामिल हो जाए, इसीलिए बेहतर होगा कि आप पारस को समझाएं। जैसी पारस का बाप ये सब कुछ सुनता है तो वो कहता है कि कुछ तो खुदा का खौफ करो, किस तरह की बातें कर रही हो तुम और कैसी लॉजिक्स पेश कर रही हो। मैं नहीं चाहता कि पारस का दिल टूट जाए और पारस की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ हानिया से, और यही मेरा भी आखिरी फैसला है। बेहतर होगा कि तुम भी ये तस्लीम कर लो।